वेलकम टू गरीब जी डाउट क्लास के इस अनदर वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डाउट क्लास में आए हुए हैं और डाउट क्लास में जिन जिन स्टूडेंट का डाउट है उन डाउट को क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरी समय का थोड़ा कमी है, जिसके चलते सिर्फ मैं डाउट क्लास के किसी भी वीडियो लेक्चर में सिर्फ एक स्टूडेंट का ही डाउट क्लियर कर पाऊंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज जो सबसे पहले सबसे ऊपर का जो डाउट था टेक्निकल समीर का डाउट है, एक्सरसाइज 8.1 के सिन्हा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन को इन्होंने पूछा है और इस सवाल को मैं आज बताने वाला हूं। तो देखिए कैसे बनता है। सवाल बोल रहा है कि अभ्यूह विधि से इस समीकरण को हल करना है, यानी एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। सबसे पहले तो इससे हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं ए। ये चैप्टर चूंकि मैंने नहीं पढ़ाया है, डिटरमिनेंट का ही पार्ट है, लेकिन इसको लिखना कैसे, सबका पहले कोफिशियंट लिख लीजिए। एक्स का कोफिशियंट 1, वाई का कोफिशियंट -1, जेड का कोफिशियंट +1, तो 1 ही हो जाएगा। और एक्स का फिर से 1 और वाई का -2 और जेड का -2, एक्स का 2, वाई का 1 और जेड का 3। उस पर एक्स लिखते हैं, एक्स में 3 वेरिएबल है, वेरिएबल जो भी है एक्स वाई और जेड। उस पर बी लिखते हैं, बी जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो 4, 9 और 1। स्टूडेंट उसके बाद सबसे बड़ा पहला काम होता है इस ए जो मैट्रिक्स निकाला है इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना। डिटरमिनेंट निकालने से पता चलेगा कि यह संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो 1 को पकड़ लीजिए, ये पकड़िएगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, तो -2, -2, 1 और 3। फिर इसको पकड़िए, -1 को -, +1 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1, -2, 2 और 3। और फिर +1 को पकड़ लीजिए, इसको ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। ये आपकी जगह के बता दूं कि जिस भी एलिमेंट को पकड़ेंगे उसके सामने वाला सब डिलीट हो जाता है, 1, -2 और 2, 1। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी डाउट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल या परसों से मैं डिटरमिनेंट पढ़ाना भी शुरू करूंगा, ताकि आप लोगों को डिटरमिनेंट, जब कुछ स्टूडेंट का सवाल ये भी आया है कि सर डिटरमिनेंट हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो डिटरमिनेंट भी शुरू किया जाएगा। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, -6, -2, +1, ब्रैकेट स्टार्ट, 3 और -4, +1, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 और -+4। तो 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया, 4 और 4 3 7 और 4 1 5। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गया, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 8 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, संगत है और ए इनवर्स का अस्तित्व भी है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है स्टूडेंट, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए हमको पहले माइनर, फिर कोफैक्टर और फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका माइनर निकाल लेते हैं, माइनर का अभ्यूह ही निकाल लेते हैं। माइनर का अभ्यूह देखिएगा, जब इस एलिमेंट को पकड़िएगा तो ये पूरा डिलीट और ये भी पूरा डिलीट, तो 3 × -2 -6 और -+2 -4। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट इस -1 को पकड़िए, ये खत्म और ये भी डिलीट हो गया, क्या हो गया, 3 × 3 और 2 × 2 4 + 4, कितना हो गया जी, 4 × 3 = 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। अच्छा ये ठीक, ये इसको पकड़िए, ये डिलीट, ये डिलीट, 1 और 4, कितना हुआ, 5। अच्छा अच्छा इस 1 को पकड़िए, बीच वाले 1 को, रो 2 को, इस ये डिलीट और ये भी डिलीट, -3 -1, -3 और -1 कितना हो गया, -4। ठीक है, इस 2 को पकड़िए, -2 को, ये पूरा डिलीट और ये भी पूरा डिलीट, 3 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 में से गया 2, 1। ठीक है, और इस -2 को पकड़िए, ये डिलीट और ये भी डिलीट, 1 और +2, 3।
इस टू को पकड़िए, ये डिलीट, ये डिलीट, माइनस माइनस प्लस टू और माइनस माइनस प्लस टू, टू टू फोर होता है, माइनस माइनस प्लस टू और माइनस माइनस प्लस टू, ठीक है, टू टू फोर। इस वन को पकड़िए, ये डिलीट, ये डिलीट, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और इस थ्री को पकड़िए, डिलीट, ये डिलीट, माइनस टू प्लस वन माइनस वन। ये आपका स्टूडेंट माइनर आ गया। सी से कोफैक्टर लिख लेते हैं। एक्चुअली मैं कोफैक्टर ए से निरूपित किया था, लेकिन ए तो मेरा मैट्रिक्स ये मैंने मान लिया ना, इसको मैं सी से कोफैक्टर लिख देता हूँ। कोफैक्टर लिखने के लिए कुछ नहीं करना होता, इसको प्लस माइनस चेंज करना होता है, ठीक है। और इसको सिंबल याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एक ट्रिक है। क्योंकि यहाँ पे कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है माइनस वन का पावर आई प्लस जे एम आई जे, यानी जो भी जिस भी अवयव को लेंगे उसका पोजीशन को उसके पावर से जोड़ देते हैं, तो ये अपना कोफैक्टर निकल जाता है। और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसमें स्टूडेंट हम लोग करते क्या है कि जहां जहां प्लस चिन्ह होगा वहां साइन नो चेंज, और जहां माइनस होगा साइन चेंज। जैसे माइनस फोर साइन नो चेंज, माइनस माइनस सेवन साइन चेंज, प्लस साइन नो चेंज, माइनस साइन चेंज, प्लस साइन नो चेंज, माइनस साइन चेंज, प्लस साइन नो चेंज, माइनस साइन चेंज, प्लस साइन नो चेंज। कोफैक्टर निकल गया, कोफैक्टर निकल गया तो एडजॉइंट ए भी निकल जाएगा। एडजॉइंट ए बेसिकली कोफैक्टर का परिवर्त होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज निकाल लीजिए, माइनस फोर माइनस सेवन फाइव, फोर वन माइनस थ्री, फोर थ्री माइनस वन, हो गया ना। तो ए इनवर्स भी निकल जाएगा। ए इनवर्स कितना हो जाएगा जी, वन बटा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना निकला है, एट निकला है, माइनस फोर माइनस फोर फोर फोर, माइनस सेवन वन और थ्री, फाइव माइनस थ्री और वन, ये आपका इनवर्स निकल गया स्टूडेंट। अब क्या है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। देखिए तो हमने पढ़ा है समीकरण निकाल में एक्स बराबर बी होता है, क्योंकि मैंने नहीं बताया है इसलिए मैं सिर्फ बता दे रहा हूं आप लोगों को कि इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। एक्चुअली में जाता नहीं है, ए इनवर्स सब लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये मैं जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स लिख दीजिए, वन बाई एट माइनस चार, चार और चार माइनस सात, वन और तीन पांच, माइनस तीन और माइनस वन। और बी लिख दीजिए, बी कहाँ है जी, ये फोर नाइन और वन, फोर नाइन और वन। स्टूडेंट कभी भी जो ये जो वन बट डिटर्मिनेंट निकला है ना, इसको कभी गुना मत कीजिए, गुना कीजिएगा तो फंस जाइएगा, आपसे फिर वो सवाल हल ही नहीं हो पाएगा। वन बाई एट, वन बाई एट छोड़ दीजिए, बाकी गुना कीजिए, चार इंटू चार माइनस सोलह, प्लस न चौका छत्तीस, प्लस चार एकम चार, ठीक है, सात चौक अट्ठाईस, प्लस नौ प्लस तीन, पंचौका बीस, नतिया सत्ताईस और माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट। जगह तो खत्म हो गया, अच्छा यहां से काम कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या इसे मिटा ही देता हूं प्लस माइनस। तो स्टूडेंट देखिए क्या होगा, एक्स बराबर वन बाई एट ब्रैकेट में देखो तो छत्तीस में से, छत्तीस और चार चालीस, चालीस चालीस में से दस जाएगा तो तीस, और तीस में से छह चला जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तीस में से छह जाएगा तो चौबीस बच जाएगा, प्लस वाला चौबीस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अट्ठाईस और नौ तीन बारह, अट्ठाईस में से बारह गया तो सिक्स और दो एक सोलह बजेगा स्टूडेंट। और ये देखिए बीस, सताइस एक अट्ठाईस, अट्ठाईस से भी जगह तो माइनस वाला
आठ हो जाएगा। अब ये आठ को गुणा कर दीजिए और x x कौन सा वर्टिस है, एक्स वाई जेड है ना, x y और जेड डेट इज आठ से गुणा थ्री, आठ से गुणा टू, आठ से गुणा माइनस वन। तो x बराबर कितना आ गया थ्री, y बराबर कितना आ गया टू और जेड कितना आ गया माइनस वन। यह आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टेक्निकल समीर का ये सवाल सॉल्व हो गया, डाउट क्लियर हो गया। हाँ, जितना भी आप लोगों ने सवाल पूछा है, आप में से बहुत स्टूडेंट का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, उस सारे जवाब को कल से मैं छोटा छोटा लेक्चर बना के उसको कंप्लीट करूंगा। जैसे आज इनका मैंने किया, वैसे ही आगे भी आप सभी का सवाल सॉल्व होगा। तो बने रहिए और डाउट पूछते रहिए, इससे क्या होगा कि मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, इससे पता चलेगा कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।